सर अभी आप मुझे ना फियर ऑफ फेलियर्स बहुत अच्छी तरह से बता रहे थे, मैं ये चाहता हूँ कि उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड करेंगे हम। मैं कैमरा आपकी ओर ये कर रहा हूँ, प्लीज़ एक्सप्लेन सर। बेसिकली दिनेश, हम सभी लोग सफलता चाहते हैं हर एरिया में, क्योंकि अगर हम सक्सेस हमें मिलती है तो हम उसका एक मीनिंग क्रिएट करते हैं लाइफ में। लेकिन कई बार हम सफलता के लिए जब कोशिश करते हैं तो फियर ऑफ फेलियर हमारे सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सफल होना है, सफल होना है। हमें कोई नहीं सिखाता कि फेल भी होना है। मेरे एक मेंटोर कहा करते थे कि फर्स्ट टाइम इज़ टू फेल, पहली बार आप एकदम से सफल मत होने की कोशिश करें बल्कि फेल होने की कोशिश करें, यानी कि आप काम करें। हमें सफल होने सिखाया जाता है पर हमें प्रोसेस करना नहीं सिखाया जाता। अब सवाल उठता है कि अगर आप फियर ऑफ फेलियर को लेकर जी रहे हैं तो आप कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आप डरते रहेंगे कहीं कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, कहीं मेरी सेल्फ इमेज ख़राब ना हो जाए, कहीं लोग मुझसे हंसे ना। तो इसके लिए अगर आपको ठीक करना है तो मैं 5-7 पॉइंट आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। पहला पॉइंट यह है कि जब भी आप किसी काम को पूरा कर रहे हैं और आपको फेलियर का डर लग रहा है, तो डर क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके रिस्क कहीं बड़े तो नहीं हैं। तो सबसे पहला है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लेना शुरू करिए। कैलकुलेट करिए कि यार मेरा इसमें जाएगा क्या। अब मैं कई बार देख लोगों से कहता हूँ, यार तेरी मार कितनी है, मार का मतलब है कितनी मार पड़ेगी। भाई आपने एक काम करा, शुरू करा और उसमें कह रहे कि मेरा इतना अमाउंट खर्च हो रहा है या इतना टाइम खर्च हो रहा है, तो इसका इसकी वैल्यू क्या है? अगर मैं कह रहा हूँ सारी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं और सारा पैसा खराब कर रहे हैं तो वो गलत बात है। तो पहली चीज़ है कि आप कैलकुलेट करना शुरू करें रिस्क को, तो आपका जो फियर है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब आप शुरू करें तो अपने चारों तरफ सपोर्टिव लोगों को रखें, यानी कि चारों तरफ लोग आपके पास हों जो सपोर्ट करें आपको। अब आपने पाल तो रखे हैं बावले लोग चारों तरफ अपने, ठीक है ना। हर आदमी तो आपको टांग खिंचाई कर रहा है, आपके रिलेटिव ये सोच रहे हैं कि तुम आगे ना निकल जाओ, ठीक है ना। आपके दोस्त ये डर लग रहा है कि कहीं तुम उनसे आगे ना निकल जाओ। आपका पड़ोसी तो इसलिए खुश है कि तुम उससे कमजोर हो या तुम गरीब हो। अगर आपके पास चारों लोग, चारों तरफ ऐसे लोग हैं तो फिर कैसे आप सफल हो पाएंगे? एक कहावत है ना कि वी आर द एवरेज ऑफ 5 फ्रेंड्स वी हैव इन आर लाइफ। हमारे पास जो 5 फ्रेंड्स हैं उनका एवरेज ले लीजिएगा, वही हमें। तीसरी चीज़ आपको एक काम और करना है कि जब भी फियर ऑफ फेलियर आपके पास है, तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो बेसिकली परफेक्शनिज्म में जी रहे हैं, उन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। भैया कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। सूरज का परफेक्शन से निकलता है, धरती का परफेक्शन से घूम रही है, ये पेड़ पौधे का परफेक्शन से पैदा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जब कोई भी चीज़ परफेक्शन नहीं में नहीं है तो यार तुम प्रोसेस में हर चीज़, पेड़ आप बीज डालते हो धीरे धीरे बड़ा होता है, एक तरह के 15 बीज डालते हो, 2 ख़त्म हो जाते हैं पैदा होने से पहले, ठीक है ना। 2 बड़ी तेज़ से उगते हैं, 4 का पता ही नहीं रहता कब उगेंगे, 4 में मेहनत करनी पड़ती है। तो याद रखिएगा सबकी अपनी अपनी एक नेचर है, तो उसे आप, इसीलिए मैं कहता हूँ डोंट बी इन द रेस, बी योर ओन, कीप योर ओन पेस। रेस में नहीं रखेंगे बल्कि आप अपनी पेस को क्रिएट करिए। तो परफेक्शनिस्ट बनना बंद कर दीजिएगा। परफेक्शन नहीं होता, बच्चा जब खड़ा होता है तो वो परफेक्टली खड़ा नहीं होता, वो बस खड़ा होना चाहता है, वो भागना चाहता है, गिरता है फिर हंसता है फिर रोता है फिर भागने लगता है। एक चीज और भी है, अगर आप फियर ऑफ फेलियर को हैंडल करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको फोकस करो किन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो। आप कंट्रोल कर सकते हो अपने कॉन्फिडेंस को, बढ़िया कर सकते हो, NLP से कर लो, हिप्नोथेरेपी से कर लो, मोटिवेशन को बनाओ। आप फोकस कर सकते हो कि भाई आप एक अच्छे रीडर बने, ये तो फोकस कर सकते हो, ये तो कंट्रोल में है ना आपके पास। आप अच्छा खाना खा सकते हो, अच्छा बोलना सीख सकते हो, आप अच्छा कैमरा फेस करना सीख सकते हो, आप लोगों को अट्रैक्ट करना सीख सकते हो, आप कोई स्किल सीख सकते हो, तो ये तो आपके आपके कंट्रोल में है ना। तो उन चीज़ों को देखो जहाँ मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ। भाई बहुत सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं उन चीज़ों के ऊपर फोकस करूँगा तो फिर फेलियर आएगा ही आ गया। पर कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी हैं वो 1% से ज़्यादा नहीं घटेंगी। भाई 100 दिनों में 1 सुनामी नहीं आती है तो 1% से भी कम होगी। 1000 दिन में 1 तूफान ऐसा आया, 1 भूकंप ऐसा आया कि भाई उसने तहस नहस कर दिया, तो उसकी परसेंटेज तो 0.01 रह गई। तो बाकी चीज़ें तो आपके हाथ में है ना, तो आपके हाथ में देखो क्या है। दूसरी बात यह है कि आपके पास कहीं ऐसा तो नहीं है कि बार बार आप फेल हुए हो और उस फेलियर की वजह से आपके पास एक रेफरेंस बन गया हो। मैं अक्सर कहता हूं कि रेफरेंसेस आर द फैब्रिक ऑफ लाइफ। जो हमारे रेफरेंसेस हैं वो हमारे जीवन के धागे हैं,
तो जैसे आपके पास रेफरेंस होंगे वैसे ही आपके पास जीवन होंगे, तो इन रेफरेंस को बढ़िया कर लो। कई बार आप कहेंगे सर मैं तो निगेटिव सारा रेफरेंस है मेरे पास, तो पास्ट निगेटिव है, तो आप पास्ट में भी जाके पॉजिटिव घटनाओं को फॉर्म कर सकते हैं माइंड में। मैं एक आदमी से बात कर रहा था, सूरत की बात है, उनको एंग्जाइटी रहती थी, सोशल एंग्जाइटी, तो उन्होंने कहा कि सर मैं बचपन में बहुत गरीब रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा यार बचपन में जाके इमेजिन करो एक पर्टिकुलर डेट को, ऐसे ही मान लो 26 जनवरी थी, आप 26 जनवरी देख कर निकले थे, अपने अच्छे कपड़े पहने थे, आप बढ़िया होटल में गए थे, वहाँ आपको रतन टाटा कपिल देव मिले थे, इसको एंजॉय करो और आध पौन घंटे तक एंजॉय करते रहो। तो याद रखिएगा आपका ब्रेन चूंकि इमेजिनेशन और रियलिटी में नहीं जानता, तो वाई डोंट यू चीट योर ब्रेन। तो अगर आप चीट कर रहे हो तो अपने ब्रेन को ही कर लो ना, दुनिया को तो नहीं चीट करने की जरूरत पड़ेगी, पर अपने ब्रेन को चीट नहीं करते। कहता सर ये तो धोखा है, अरे भाई तुम बाकी दुनिया के लिए क्या कर रहे हो? तो यू कैन चीट योर ब्रेन, उसे अच्छे विजुअलाइजेशन दे सकते हो। एक बात और भी है यहाँ बहुत बढ़िया कि अगर आप फेलियर को के फियर से बचना चाहते हो ना दिनेश, तो आप अपनी आशा को यानी कि होप को बनाए रखें, और होप को बनाने का तरीका एक ही है कि आप अपने भविष्य को भव ईष्ट बना दो। भविष्य की पूरी फॉर्म है भव ईष्ट। भव ईष्ट का मतलब है कि आप अच्छी चीजों को पैदा कर रहे हो। भव मीन्स घटित करना, ईष्ट मीन्स जो पॉजिटिव है, डिवाइन है। तो अच्छी अच्छी चीजों को आप देखो अपने फ्यूचर में कि वो आपकी लाइफ में घट रही है। जब आप ऐसा विजुअलाइजेशन करते हैं तो आपके जो न्यूरॉन है, आपकी जो ब्रेन सेल्स हैं, वो बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेंड होने लगती है। इससे क्या होगा कि बहुत ही बढ़िया चीज रहती है, ठीक है ना। और एक बात और भी है, एक होता हमारे यहाँ टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट का मतलब होता है कि किसी आदत को फॉर्म करना ब्रेन के लेवल पर। वो उस तरह से होता है कि जब भी हम छोटी छोटी जीत को, छोटी छोटी विंस को, छोटी छोटी अपनी आप कह सकते हैं कि जो हमारी विजय है उसको हम जब सेलिब्रेट करते हैं, बच्चा जब खड़ा होता है चलने लगता है, पता वो कितना हंसता है, कभी किसी बच्चे को देखो एक दो कदम चलता हंसता है वो, फिर गिर पड़ता है, फिर कोशिश करता है और वो हंसता है अपने आप। ये हमारी नेचर है, पर इस नेचर को हम भूल गए। हम किसी गलती पर, किसी फेल्यूर पर रोना तो जानते हैं, पर किसी विजय पर, किसी जीत पर, किसी विन पर हंसना नहीं जानते। तो छोटी छोटी विन्स पर जब जीतना शुरू करें तो आपको ये फियर चला जाएगा। एक चीज और भी है, आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से सीखना शुरू करें। पास्ट में कोई गलती तो नहीं करी, और सबसे बढ़िया बात यह है आप अपने रोल मॉडल को चूज कर लें और सोचें कि इस काम को आपका रोल मॉडल होता तो वो कैसे करता। मान लेते हैं आप पैसा कमाना चाहते हैं और आपका रोल मॉडल है रतन टाटा, ठीक है ना, या आप स्टार्टअप देना चाहते हैं कोई और आप कहते जी मेरे रोल मॉडल रामदेव हैं, ठीक है ना, तो वो इस काम को कैसे करते, तो इसको हम अनकॉन्शियस मॉडलिंग कहते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो फियर ऑफ फेलियर धीरे धीरे कम होने लगेगा। Fantastic, sir. Fantastic. Right. पहले जैसे समझा था उसी तरह से समझा। Right. Thank you. Thank you.